चीन से खाने पीने से उत्पन्न हुई कोरोना बीमारी हजारों की देश दुनिया में लोगों की जान ले चुकी है। पशु पंछी की हत्या करके खाने से कोरोना आज बड़ा ही बीमारी का रूप ले चुका है, जिसके कारण पूरे देश में भय व डर का माहौल बना हुआ है। इंदौर शहर की लाखों जनता जब अपने घरों में सिमटी थी, उस समय हर तरफ सन्नाटा पसरा था। तब दुनिया से बेखबर कबूतरों के झुंड की चहलकदमी इंदौर के हृदय स्थल जगह रीगल चौराया गांधी प्रतिमा के बगीचे में देखी गई। सुबह से शाम तक अपना पेट भरने के लिए यहां दानदाताओं द्वारा डाले जाने वाले ज्वार के दाने खाकर आसमान की ऊंचाइयों को बार बार छूते पंछी नजर आ रहे थे। ये बेजुबा पंछियों को न ही किसी भी तरह के शोर शराबे की आवाज थी और न ही किसी भी प्रकार का इंसानी खतरे का भय था। कल का पूरा दिन ही शायद इनकी आजादी के त्योहार जैसा नजर आ रहा था। पर जैसे ही अचानक एक दंपति परिवार ने बगीचे में प्रवेश किया, वैसे ही सारे कबूतरों ने एक साथ उड़कर आसमान को छूने की उड़ान भरी और इंसानी जीवन को ये मैसेज दिया, हम सभी पशु पक्षियों को किसी भी तरह भोजन के रूप में खाकर खुद अपनी ही जिंदगी को बर्बाद करने से बचें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ।